टोपी शुक्ला। इस पाठ में कथाकार राही मासूम रजा द्वारा रचित टोपी शुक्ला उपन्यास से कुछ अंश लिए गए हैं। इस कहानी में दो बच्चों के बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का सैयद जरगाम मुर्तजा है। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफन। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। उसकी दादी एक जमींदार की बेटी थी। उन्होंने बचपन में बहुत दूध दही खाया पिया था, परंतु जब वह शादी के बाद लखनऊ आईं, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें शादी ब्याह में होने वाला गाना बजाना बहुत पसंद था, परंतु मौलवी के घर में इन सब बातों की मनाही थी। इफन की दादी ने अपना ये शौक इफन के पैदा होने पर पूरा किया, क्योंकि तब तक मौलवी साहब अर्थात इफन के दादा का देहांत हो गया था। इफन का लगाव अपनी दादी से सबसे अधिक था। उनके अब्बू कभी ये नहीं चाहते थे कि इफन अपनी दादी की पूर्वी बोली बोले, लेकिन इफन और उसके दोस्त टोपी को पूर्वी बोली बहुत पसंद थी। टोपी एक हिंदू परिवार का था और उसके दो भाई थे। टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे। एक दिन टोपी ने बैंगन का भरता मांगने के लिए इफन के घर से सीखा हुआ शब्द अम्मी अपने घर में बोल दिया। उसके घर में मानो तूफान सा आ गया हो। उसे बहुत मार पड़ी। टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत कड़क मिजाज की थी। टोपी की अक्सर डांट पड़ती रहती थी। कभी उसका बड़ा भाई झूठी शिकायत लगा देता था, तो कभी छोटा भाई कॉपियां फाड़ देता था। वह अपना सारा दुखड़ा इफन के साथ ही बांटता था। 10 अक्टूबर सन 1945 को इफन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया। टोपी बहुत अकेला हो गया और उसने कसम खाई कि अब वो कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला हो जाए। टोपी एक दिन फिर उसी सरकारी घर में चला गया, परंतु अब वहाँ दूसरे कलेक्टर का परिवार रहने लगा था। कलेक्टर के 3 लड़के थे, पर तीनों लड़कों ने टोपी को घास तक नहीं डाली, बल्कि एक लड़के ने तो टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया और टोपी के पेट में 9 सुइयां लगी। अब टोपी का लगाव घर की बूढ़ी नौकरानी से बढ़ गया था, क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो उसे समझती और प्यार करती थी। टोपी शुक्ला नवी कक्षा में 2 फेल हो गया था। एक बार घर के कामों से वह पढ़ नहीं पाया और दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था। घर और स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। स्कूल में तो अध्यापक कई बार उसके नाम का उदाहरण देने लगे। उम्र में सबसे बड़े होने के कारण कक्षा में उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था जिससे वह अपना दर्द बांट सकता। अब टोपी ने निश्चय किया कि इस साल कोई भी परेशानी आए पर वह मन लगाकर पढ़ेगा। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। इस बार फिर से टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रहा। पिता तो चुनाव में हार गए और उनकी जमानत जब्त हो गई, परंतु इस बार टोपी 3rd division में पास हो गया। सुभद्रा देवी ने व्यंग भरी वाणी में टोपी के 3rd प्रयास में 3री श्रेणी में पास होने की बधाई दी।